पहाड़ा ते सूबे दे विच अज हुई तेज बारिश दे चलदे रावी दरिया विच पानी दा पद्धर वधन करके दीनानगर ते पिंड ठाकुरपुरा दे इक तुसीबन दे विच पाड़ पै गया, जिस तों बाद इलाके दे लोकां विच सहम दा माहौल वेख्या गया। इत्थों तक कि BSF दी चैक पोस्ट दे विच वी पानी वड़न दा खर्चा बन गया सी, जिस करके BSF दे जवान ते होर प्रशासनिक अधिकारी मौके ते पहुंचे ते स्थिति दा जायजा लैण तों बाद इस पाड़ नूं भरन दी कोशिश कीती गई। उधर इस मौके दीनानगर दे विधायक शमशेर सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार हड़ पीड़ितां नूं हर संभव मदद दे रही है। BOP ठाकुरपाड़ा है, ये ठाकुरपाड़ा के पास में जो पानी जा रहा है इससे ये पुल टूटने से और इसको कैंप को भी नुकसान हो सकता है और इस फसल को भी नुकसान हो सकता है, जो कि इसको ठीक कराने से पानी इस साइड से नदी में जाए तो दोनों को नुकसान नहीं होगा, उस गांव को भी नुकसान नहीं होगा और इस गांव को भी नुकसान नहीं होगा। अगर इसको इस साइड से पानी निकाला जाए रोड से साइड से तो बढ़िया रहेगा, वो भी परेशान है पीछे गांव वाले और ये भी परेशान रहेंगे, इनकी जितनी फसल लगी है वो भी ख़राब हो जाएगी और BSF की ड्यूटियाँ हैं वो भी जाम हो जाएगी, क्योंकि कैंप में पानी चला जाएगा उनका भी एडम पूरा बंद हो जाएगा। BSF पोस्ट के पास में पानी पहुंच चुका है और ज़्यादा ऐसे चलता रहेगा तो कैंप में चला जाएगा पानी। अगर ये पानी पोस्ट के पास पोस्ट के अंदर जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है? हमारी नफरी कुछ भी ड्यूटी नहीं कर सकी, उसमें दिक्कत ये है उसका बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि जब तक आदमी को वेल उसमें नहीं रहेगा तो ड्यूटी करने के लिए वहाँ जगह नहीं है। इस वेले जैनपुर धुस्सी दे उत्ते खड़े हैं, इत्थों जिहड़ा रावी दरिया का पानी जदों ओवरफ्लो होकर दो तीन दिन पहला आया तो सारा एक फ्लड के रूप में पानी पिछे इकट्ठा होया, इस ते तुसी दे हेठां तो पानी का निकास करने लिए एक पाइप पाई गई है और ये पाइप रात नूं किसी ने शरारती बंदे ने वो टीन लगा के बंद कर दिती गई, जदों सवेरे आ के लोगों ने देखा तो वह पानी जिहड़ा है वो अपना रस्ता जिहड़ा पाइप के नाल बना चुका सी और हुण इस वेले स्थिति यह है कि अद्धी तुसी जिहड़ी है ना वो रुड़ चुकी है और उस तुसी नूं बचाउण दे वास्ते सैंडबैग महकमे नाल साडे हल्के दे दीनानगर दे STM साहब तहसीलदार साहब सारे इत्थे मौजूद ने, महकमे मौजूद ने, तो हुण सैंडबैग लगा के तुसी जिहड़ी खोरी गई है उहनूं जिहड़ा ना वो बन्नण दे दुबारा प्रयत्न कर रहे हैं तां जो तुसी दा नुकसान ना होवे और जिहड़ा पानी जिहड़ा ना वो ज़्यादा अगले पिंडां नूं जिहड़े ठाकरपुर है जैनपुर है संदलपुर है ये इन्हां पिंडां नूं नुकसान ना करे। सरकार दे वल्लों की राहत दित्ती जा रही है? पहलां दे बंद पहलां पूरा करांगे जी, ये सरकार पूरी नाल तवज्जो है कि तुसी नूं बचाया जाए, उस तों बाद जो लोगों का नुकसान होएगा वो सारे किसानों नूं नुकसान की जी भरपाई की जाएगी। ये जी पिंड जैनपुर है जी श्री ठाकुरपुर तो जाता तुसी सपारा है, ये सपारे में दो पाइपां ने, वो पाइपां इन्होंने चल दियां ही तो अगे अं बचे ही माड़े मोटे, ये उच्चियां करके पहाड़ियां कोई चार चार फुट तो वो चार चार फुट पानी भर के तो पानी जाता ही तो इन्होंने लोगों ने वो अगे टीना ला के तख्ते ला के उन्होंने बंद कर दिता तो साढ़े घर पानी जागड़िया, वो अं आ के जिसल खोलिया तो पानी का ज़्यादा तेज बहा ही जो साढ़े जाने डुबन लगे तो फिर अं आके खोलिया करके पार पार। हाँ जी वो फिर अगों पाइपा जड़िया पिछले पानी का प्रैशर ज़्यादा हो गया तो इन्हों का कोई नुकसान नहीं जी, किसी का कोई अगे कोई पिंड नहीं कुछ नहीं, पिछले साढ़े पुंड डुबे ने साडा नुकसान होया पिंड घर ये जी कुछ बरसात का पानी है मकोड़े वालों आता जी पानी मरा। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।